दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हर एक गोभी अपडेट के अंदर गैरिना फ्री फायर गेम के अंदर एक इवोल्यूशन गन लाता है। हर एक साल दो लेजेंडरी बंडल गेम के अंदर आता है। इस साल गाइस रैम्पेज इवेंट के दौरान आप लोगों को एक लेजेंडरी बंडल देखने को मिला था। इस साल गाइस आप लोगों को बहुत ही जल्दी विंटर का इवेंट देखने को मिलेगा। विंटर इवेंट स्पेशल आप लोगों को एक और लेजेंडरी बंडल देखने को मिलेगा, जिसका गाइस रिव्यू मेरे हाथ लग चुका है। ये जो लेजेंडरी बंडल आने वाला है, ये आप लोगों को कौन सा इवेंट के दौरान देखने को मिलेगा, इसका फर्स्ट लुक आज का वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों को पता होगा हर एक ओबी अपडेट आने का बाद हमारा रैंक टोकन का जो एक्सचेंज स्टोर है वो भी अपडेट हो जाता है। गाइस यार ओबी 37 अपडेट का बाद आप लोगों को नेक्स्ट रैंक टोकन के अंदर कौन सा कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, उसका फुल प्री एक्सेस आज का वीडियो में बताऊंगा। फ्री फायर एक नया एपी के लॉन्च करने वाले हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। ओबी 37 अपडेट रिलेटेड बहुत सारा लीक्स निकल के आ चुका है, उसके ऊपर ही मैंने बात करने वाले हैं आज का वीडियो पे। सो गाइस आज का वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करते हैं हेलोवीन स्पेशल वेव इवेंट के ऊपर। रिसेंटली गाइस मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्दी इंडिया बांग्लादेश बोथ सर्वर के अंदर एक वेव इवेंट आने वाला है, जिसके अंदर पैराफेल वर्थ पेट्रोल मैक 10 बोन्स ऑफ टेरर का वेपन का स्किन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर गाइस एक और आइटम ऐड हो चुका है, जो कि इसी वेव इवेंट के अंदर आने वाला है, जो कि है गाइस इमोट घोस्ट फ्लोट, जिसका रिव्यू आप लोग देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम तक आप लोग यूज कर पाओगे आप लोग का जॉयस्टिक बटन को हिलाते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर पाओगे। यूनिक बात तो है ये इमोट, जब आप लोग यूज करोगे इसका बैकग्राउंड में एक स्पेशल म्यूजिक प्ले होगा लॉबी के अंदर। तो समझ सकते हो ये 3 आइटम्स के साथ दोनों सर्वर के अंदर बहुत ही जल्दी एक वेव इवेंट आने वाला है। कौन सा इवेंट होने वाला है बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने उसका प्री एक्सेस भी लाऊंगा। गाइस यार आप लोगों को पता होगा इंडिया सर्वर के अंदर लाइट फेस्ट का काउंटडाउन का लाइव स्ट्रीम चल रहा है, जिसके अंदर गाइस हर घंटे के अंदर दो दो करके रिडीम कोड देखने को मिल रहा है। गाइस यार आप लोगों को पता होगा 200 लाकी पर्सन को 10,000 डायमंड मिला था। ये 10,000 डायमंड किसको किसको मिला था आप लोगों को क्या पता है, किसको मिला है वो वीडियो का लास्ट में बताऊंगा। बट गाइस मुझे खुद 5 रिडीम कोड रिडीम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिवॉर्ड मुझे मिला है वो है लेजेंडरी स्काइट का स्किन। दूसरा जो रिवॉर्ड मिला है वो है 20 वेपन रॉयल वाउचर। थर्ड जो रिवॉर्ड मुझे मिला है वो है 20 इनक्यूबेटर वाउचर। फोर्थ नंबर पे जो रिवॉर्ड मिला है वो है इलाइट पास कार्ड। एंड फिफ्थ नंबर पे जो मुझे रिवॉर्ड मिला है एक और इलाइट पास का कार्ड मिला है, मतलब मुझे दो दो इलाइट पास मिला है। सिक्स नंबर का जो रिडीम कोड मैं रिडीम किया उसके अंदर मुझे मिला है रिवेल एकेडमी P90 का स्किन। जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था सेम ट्रिक मैं भी फॉलो किया था, तो आप लोग बहुत बड़ा मौका लॉस्ट किए हो। ऐसा कौन सा पर्सन है जो 10,000 डायमंड जीता है? इंस्टाग्राम पे मेरा एक भाई है जो मुझे DM किया है, वो मुझे ये वीडियो क्लिप भी भेजा है, आप लोग देख सकते हो। गाइस यार वो 10 से भी ज्यादा रिडीम कोड रिडीम किया है, उसको मिला है 10,000 डायमंड। तो समझ सकते हो ये भाई बहुत ही लाकी है। एंड गाइस आप लोगों को पता होगा 16 अक्टूबर के दिन गेम के अंदर ओबी 37 का अपडेट आने वाला है। गेम के अंदर जब ओबी 37 का अपडेट आएगा उसके बाद हमारा जो रैंक टोकन का एक्सचेंज स्टोर का जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज हो जाएगा। आप लोग स्क्रीन के ऊपर प्री एक्सेस लुक देख सकते हो कि आप लोगों को कौन सा कॉस्ट्यूम मिलने वाला है। देखो इसका क्या नाम होने वाला है वो निकल के नहीं आया है, इतना तो कंफर्म है कि ये एक मेल बंडल होने वाला है। फुल HD में आप लोगों को रिव्यू दे दिया। गाइस यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंडल आने वाला है ये थोड़ा Assassin's Creed थीम के ऊपर ही बेस्ड है। कोलैबोरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉस्ट्यूम का डिजाइन है उसका कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। गाइस यार आप लोगों को पता होगा एक साल से एक चीज का हाइप बन रहा है, फ्री फायर लाइट। फ्री फायर लाइट का एक नया वर्सन आने वाला है। आप लोगों को पता होगा इंडिया के अंदर अभी गेम बैन है, हो सकता है नॉर्मल फ्री फायर बहुत ही जल्दी रिटर्न आ जाए। लोगों का जो स्पोर्ट का मेन हेड है उसका नाम मैं भूल गया, ट्विटर पे वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में ट्वीट किया है
कि गाइस हमारा इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी गैरिना फ्री फायर जो नॉर्मल फ्री फायर है वो रिटर्न में आने वाला है। बट जो मेन टॉपिक है कि फ्री फायर लाइट, देखो गाइस गैरिना फ्री फायर ऑफिशियली एक के मोड एपीके बनाने वाला है, मतलब फ्री फायर का ही एपीके है। जैसे फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स है दोनों एक साथ खेलते हो, ऐसे ही फ्री फायर बोलो, फ्री फायर मैक्स बोलो या फ्री फायर लाइट बोलो, तीनों आप लोग एक साथ ही खेल पाओगे। जो फ्री फायर लाइट का न्यू वर्सन आने वाला है ये अभी के लिए देखे ब्राजील सर्वर के लिए कन्फर्म हुआ है, ब्राजील सर्वर के लिए कन्फर्म हुआ है। अगर इंडिया के अंदर नॉर्मल फ्री फायर वापस नहीं आता है तो इंडिया के अंदर भी फ्री फायर लाइट का न्यू वर्सन आने वाला है। एंड गाइस आप लोग का कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था कि 16 अक्टूबर के दिन गेम के अंदर OB37 का अपडेट आने वाला है। OB37 अपडेट के अंदर आप लोगों को 2 मेगा इवेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि गाइस आप लोगों को बताया था कि 16 नवंबर के दिन आप लोगों को OB37 का अपडेट देखने को मिलेगा। सो गाइस जब नवंबर मंथ आ जाएगा, नवंबर मंथ के अंदर ही आप लोगों को FFWS का इवेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट मेगा इवेंट आने वाला है वो होने वाला है विंटर इवेंट। मतलब गाइस OB37 अपडेट के अंदर आप लोगों को 2 मेगा इवेंट देखने को मिलेगा। देखो गाइस सबसे पहले जो इवेंट आने वाला है वो होने वाला है FFWS इवेंट। ये जो FFWS का इवेंट आने वाला है ये बैंकॉक में होने वाला है, जो हमारा नवंबर मंथ के अंदर आने वाला है। तो गाइस समझ सकते हो अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है एंड गाइस नवंबर स्टार्ट होने वाला है, वो भी अपडेट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को FFWS का इवेंट देखने को मिलेगा। वीडियो का जो मेन टॉपिक है जो कि है नेक्स्ट लेजेंडरी बंडल। गाइस यार जब मैं प्री एक्सेस कर रहा था तब गाइस मुझे एक बैनर मिला है, आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर गाइस देख सकते हो OB37 अपडेट का फर्स्ट मेगा इवेंट FFWS इवेंट का जो मेन मेल का बंडल है वो बना है, हाथ में ट्रॉफी लेके खा रहा है। एक रेडिट से मेरा नहीं है, इंस्टाग्राम पे स्पार्की न्यूज भी मेरा मदद किया है, सो उसको भी बीक साउट आउट। सो गाइस दोनों मिलके ये अपडेट कवर किया तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है। जो इंस्टाग्राम यूज करते हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। बाकी गाइस अभी के टाइम इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आया है कि ये लेजेंडरी बंडल होने वाला है या नहीं होने वाला है। बट मैं एक चीज नोटिस किया, जो गाइस जो कैरेक्टर का बंडल है उसका साउंड पे गाइस एक एनिमेशन है। जैसे हमारा बुइया डे का लेजेंडरी बंडल आया था उसका साउंड पे गाइस एक स्कॉल टाइप का एनिमेशन देखने को मिल रहा था, ऐसे ही गाइस FFWS का जो मेन का बंडल आने वाला है उसका कंधे पे भी सेम एनिमेशन है। एंड आप लोगों को पता होगा कोबरा बंडल का भी जो सोल्ड है उसके ऊपर कोबरा निकलता है। तो मेरे हिसाब से ये लेजेंडरी बंडल होने वाला है। 2022 चल रहा है, इस साल एक लेजेंडरी बंडल आया है, उसी हिसाब से गाइस ये लेजेंडरी बंडल होने वाला है। देखो गाइस अभी के टाइम तो कंफर्म नहीं है बट बहुत सारा न्यूज सोर्स के अंदर से भी अपडेट निकाल के आ रहा है, वो भी 37 अपडेट के अंदर आप लोग को लेजेंडरी बंडल देखने को मिल सकता है। बाकी जो अपडेट निकाल के आया था, जो पॉसिबिलिटी निकाल के आया था वो गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप में से बहुत जन पूछ रहे थे कि कल के दिन दिवाली इवेंट का पीक डे आने वाला है तो दिवाली स्पेशल मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट क्यों नहीं हुआ। देखो टाइम बाय टाइम जो अपडेट निकल के आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बट गैरिना के पास फुल पावर है, वो कभी भी कोई भी अपडेट चेंज कर सकता है, उनका गेम है, उनका मर्जी है। जो लीक्स निकल के आता है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ। बाकी गाइस एक सरप्राइज है, अगर गाइस मैजिक क्यूब स्टोर एक्सचेंज होने वाला होगा तो कल सुबह 4 बजे का बाद ही मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर न्यू बंडल्स देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस आज रात 12 बजे आप लोग को एक न्यू टॉप अप इवेंट देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है 100% बोनस टॉप अप इवेंट। आप लोग 1000 डायमंड टॉप अप करोगे तो एक्स्ट्रा 1000 डायमंड आप लोगों को मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर टॉप अप करना एंड एक्स्ट्रा डायमंड कलेक्ट करके रख लेना। बाकी गाइस आज का वीडियो के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है, आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते गाइस आप सभी लोगों को इन एडवांस हैप्पी दिवाली।